एवरीवन, वेलकम टू एन अकेडमी। सो ये आपका क्रैश कोर्स है ऑन इडियम्स एंड फ्रेजेस। देखिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको आगे लेके जा सकते हैं एसएससी एग्जामिनेशंस में। एंड 2 या 3 क्वेश्चंस जो हैं वो इडियम्स एंड फ्रेजेस से पूछे जाते हैं, बहुत ईजी होते हैं। लाइक हिंदी में आप मुहावरे करते हैं, वैसे ही इंग्लिश में इडियम्स एंड फ्रेजेस यूज होते हैं। ये आपकी राइटिंग स्किल्स को भी बढ़ाते हैं, एज आपकी स्पीकिंग स्किल्स हैं उसको भी इंक्रीज करते हैं इंग्लिश में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस पे आपको ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये बात क्यों है कि अगर आप 25 इडियम्स के, जैसे कि आप कहें कि पूरा आप लेसन कोर्सेज देख रहे हैं, यूट्यूब पे वीडियोस ढूंढ रहे हैं जहाँ पे 10-12 इडियम्स बताए जाते हैं, ठीक है, वो अच्छी बात होती है। वो तब जब आप एक राइटर बनना चाहते हैं या आप इस इडियम्स एंड फ्रेजेस को अपने साथ रखना चाहते हैं। बट अगर आप देखिए, कंपिटिटिव एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए आपका जो इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बट ऐसा कि आप जल्दी से उनको रिवाइज कर लें, ठीक है। तो ये इडियम्स एंड फ्रेजेस का कोर्स आपको यही बेसिक लेवल प्रोवाइड करेगा, जिसमें आपके 700 प्लस इडियम्स एंड फ्रेजेस जितने भी प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स हैं ना, वहाँ से लिए गए हैं। और इसके आगे आपको कोई इडियम्स एंड फ्रेजेस नहीं आने वाला, क्योंकि सारे तो इसमें जो स्टैंडर्ड इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं वो कवर अप हो जाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं समथिंग अबाउट मी। माय नेम इज़ यशिका एंड आई एम हियर टू सिंप्लीफाई द लर्निंग प्रोसेस। यू कैन फॉलो मी इन दिस फ्रॉम दिस लिंक। सो चलिए, अब जो आपका फर्स्ट बेसिकली इडियम है वो है स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट इडियम ये है कि थॉटलेस स्टेटमेंट, जब आप कोई बिना थॉट के कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, कोई कंक्लूजन दे देते हैं, कोई कमेंट दे देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्लीपिंग स्टेटमेंट। ऑल एट सी मतलब पजल्ड होना, यानी कि अगर आपको एक सी पे रख दिया जाए जहाँ पे दूर दूर तक कहीं ना हो, कोई भी ना हो, तो आप क्या होंगे, पजल्ड होंगे ना। तो किसी बात पे पजल्ड हो जाना, तब आप किसी पर्सन को कहते हैं ऑल एट सी। एनफ रोप माने किसी को एनफ फ्रीडम देना फॉर एक्शन, यानी कि लेट अस सपोज क्या करते हैं, जब मदर फादर क्या करते हैं, अपने बच्चों को एनफ रोप देते हैं, वो देखते हैं कि पहले वो क्या करेगा, फिर बाद में उसको जो बेसिकली डांट लगाई जाती है तो वो क्या करते हैं, एनफ फ्रीडम देते हैं। बाय फिट्स एंड स्टार्ट, बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब इरेगुलरली कोई काम करना, लाइक आज आप कर रहे हैं, कल आप वो काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फेल फॉल ऑफ, फेल फॉल ऑफ मतलब किसी की ट्रबल में आ जाना, लाइक कोई आप कह सकते हैं कि मतलब कोई काम आपने ऐसा किया और किसी ट्रबल में आप आ गए, कोई मुसीबत में आप आ गए। टोकन स्ट्राइक, टोकन स्ट्राइक वो स्ट्राइक होती है जो वर्कर्स के द्वारा ली जाती है, जिसमें बेसिकली शॉर्ट कह सकते हैं आप, शॉर्ट पीरियड के लिए वो काम रोक देते हैं, तो क्या अपनी मांगों को, मतलब एक वार्निंग देने के लिए, अपनी मांगों को कंप्लीट करने के लिए। फेस द म्यूजिक, यानी कि फेस द म्यूजिक मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन को आप फेस करना, यानी कि कोई ऐसी आप डिफिकल्ट सिचुएशन आ गई या आप भागने की बजाय उसको फेस कर रहे हैं, तब हम ये इडियम को यूज करते हैं। लुक डाउन अपॉन, लुक डाउन अपॉन मतलब हेट करना किसी पर्सन को, किसी पर्सनालिटी को, या आप कह सकते हैं किसी को डाउन दिखाना, लाइक पुअर पीपल्स को जो रिच पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, हेट करते हैं इंटेंसली, उनको लुक डाउन अपॉन देखते हैं। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स बहुत ही अच्छा इडियम है। इसका मीनिंग होता है उस काम पे टाइम वेस्ट करना जिसका कोई फायदा नहीं है, लाइक लेट अस सपोज अगर आपकी कोई, आप कह सकते हैं कि अगर ऐसा काम आप कहें कि आपको कोई, आप कह सकते हैं कोई पेपर है उसका, वो उसका सारा मटेरियल खराब हो गया, फिर भी उसको सही करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फायदा ही नहीं है, उसको सही नहीं होने वाला, तो आप कह सकते हैं आप क्या कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स यानी कि मरे हुए घोड़े को जगा रहे हैं। अंडर अ क्लाउड, अंडर अ क्लाउड मीन्स होता है शक के दायरे में होना, अंडर अ सस्पिशंस होना, ठीक है, लाइक सम टाइम ऐसा होता है कि हमें किसी पे शक होता है, तो क्या है, अंडर अ क्लाउड। तो ग्रीन थंब, ग्रीन थंब माने होता है कि वो थंब जिसके वो एबिलिटी जिसमें किसी पर्सन का नेचुरल इंटरेस्ट हो या उसके हाथ में ऐसे गुण हो कि वो बहुत अच्छे प्लांट्स उगा पाए, ठीक है, उसके हाथ में ऐसा भगवान ने आप कह सकते हैं ऐसा गुण दिया हो कि वो प्लांट्स की देखभाल अच्छे तरीके से कर पाए, तो उस पर्सन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको कहते हैं कि उसके पास ग्रीन थंब है। प्लेड हवॉक यानी कि कॉज डिस्ट्रक्शन, चाहे वो आपकी मेंटली हो या थिंग्स की डिस्ट्रक्शन हो, तब हम इस इडियम को यूज करते हैं। नो लव लॉस्ट बिटवीन, नो लव लॉस्ट बिटवीन होता है नॉट ऑन गुड टर्म्स, यानी कि आपका जो अभी टाइम चल रहा है वो इतना अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, ठीक है, तब हम ये इडियम्स को यूज करते हैं। फेयर एंड स्क्योर, फेयर एंड स्क्योर मीन्स होता है ऑनेस्ट होना, ठीक है, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सनैलिटी को हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही फेयर एंड स्क्योर है। चलिए अगले, अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट मीन बहुत ही कॉस्टली थिंग होती है जो आप परचेज कर लेते हैं जबकि उसकी इतनी कीमत भी नहीं होती, लाइक आप पे करते हैं थ्रू नोज,
ठीक है, आउट एंड आउट यानी कि टोटली वो काम का आउट हो जाना, या किसी आप कह सकते हैं आउट एंड आउट, तब ये बेसिकली फ्रेज है, ये टोटली के लिए यूज होता है। ऑन द कफ, ऑन द कफ मतलब कोई चीज का क्रेडिट पे होना, ठीक है। डज नॉट होल्ड अ वाटर यानी कि किसी चीज पे बिलीव ना होना, लाइक कोई स्टोरी बताते हैं आप, कोई आप कह सकते हैं आपको कोई आर्ग्यूमेंट बताता है या कोई कमेंट करता है कि आप उस पर बिलीव नहीं कर पाते, तो वो क्या कहता है, डज नॉट होल्ड अ वाटर यानी कि कैनॉट बी बिलीव। अब वाइल्ड गूज चेज, वाइल्ड गूज चेज वो चीज होती है जिसके आप पूरा ढूंढ लेते हैं फिर भी आपको कोई फायदा नहीं होता, लाइक पर्टिकुलरली कोई चीज आप रख के भूल जाते हैं तो आपको मिल नहीं रही होती, तो आप क्या करते हो, आपकी वो क्या चीज होती है, एक वाइल्ड गूज चेज होती है, उसको हम कहते हैं फर्टाइल सर्च। इन अ टाइट कॉर्नर मीन्स इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन में होना बहुत ही ज़्यादा, तब हम इस बेसिकली idiom का यूज़ करते हैं। गोइंग प्लेसेस, गोइंग प्लेसेस माने टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल पर्सन, लाइक आप कहते हैं कि आजकल इंडिया में IT सेक्टर बहुत अच्छा है, ठीक है, तो वहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं वो गोइंग प्लेसेस जा रहे हैं यानी कि टैलेंटेड और सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। इन अ कोल्ड ब्लड, इन अ कोल्ड ब्लड मतलब अ मर्डर विदाउट इंटेंशन यानी कि इतनी बुरी तरीके से मर्डर करना कि मतलब उसमें जरा भी दया ना दिखाना, ठीक है। ऑफ एंड ऑन, ओकेजनली को फ्रेज ये रिप्रेजेंट करता है, जब आपने ओकेजनली यूज करना तो ऑफ एंड ऑन को भी यूज कर सकते हैं। हार्ड एंड फास्ट रूल मीन्स होता है कि स्ट्रिक्ट होना एकदम, ठीक है। टुक टू हील्स यानी कि देखिए टुक टू हील्स आपको idiom मुहावरा भी बताएगा, रन फे अवे इन अ फेयर यानी कि बहुत जल्दी भाग जाना किसी चीज से, लाइक आप देखिए आपकी टीचर आ रही है जो बहुत डेंजरस है, आप क्या करते हैं टुक टू द हील्स यानी कि भाग जाते हैं। टू कीप अप मतलब टू कीप इन टच यानी कि आप अपने फ्रेंड्स को भी ये बात कहते हैं टू कीप अप, ओके। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट, इसका मीनिंग होता है कि को पूरा कन्फेस कर देना विदाउट कुछ रिजर्व रखे यानी कि कोई बात छुपाए। चलिए हेड विट्स रोल, इसका मीनिंग होता है ट्रांसफर विल टेक्स प्लेस यानी कि आपका जो हेड्स विल रोल है यानी कि आपका फ्रेज है जिसका मीनिंग होता है कि आपका ट्रांसफर है वो टेक्स प्लेस करेगा, आप उसकी जगह इसको यूज कर सकते हैं। अगला जो है मेक नो बोन्स अबाउट, डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन इन एनी थिंग यानी कि चाहे बात करने में हो, चाहे आपका कोई अच्छा काम करने में हो या किसी की बुराई करने में हो, तब आप इस idiom को यूज कर सकते हैं। टेक आफ्टर मतलब किसी की देखभाल करना बाद में, ठीक है, किसी के जाने के बाद यानी कि किसी चीज को आराम से रखना, तब आप इस idiom को यूज कर सकते हैं। सो स्टार ऑफ यानी कि पोस्टपोन करना, कामों को पोस्टपोन कर देना, उसको देखते रहना। आप अगर अपनी बुक पढ़ी हो ईट दैट फ्रॉग, उसमें यही बताया गया है कि हमें जो हम काम को पोस्टपोन करते हैं हमें उससे पहले वही काम करना चाहिए। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, किसी को बहुत ही आप कह सकते हैं आराम देना, किसी को शांति देना, उसका दिमाग नहीं खाना, तब आप ये idioms यूज कर सकते हैं। टू रिपरमेंट यानी कि उसको छोड़ देना, ठीक है। रेस्ट ऑन रॉलर्स, इसका मतलब होता है कि बेसिकली टू कम्प्लीसमेंट करना, लाइक आलसी हो जाना, लाइक आपका सपने है कि आपने ये अचीव करना है बट वो काम नहीं करना, उसके सपने लेते रहना, तो उसको हम कहते हैं टू रेस्ट ऑन रॉलर। पे थ्रू नोज, वही बहुत ही एक्सट्रीमली प्राइस पे करना कि वो पर्टिकुलर थिंग का इतना प्राइस भी नहीं है फिर भी प्राइस को उस पे को पे करना। ड्रॉ ऑन फैंसी यानी कि इमेजिनेशन करना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। टर्न ऑन ऑनेस्ट लिविंग, इसका मतलब होता है कि मेक एन लेजिमेट लिविंग, लाइक बहुत ही अच्छी आप कह सकते हैं कि अच्छी लिविंग करना, एक ऑनेस्ट वे में लिव करना। गिव द गेम अवे, गिव आउट द सीक्रेट यानी कि अपना सीक्रेट जो है वो बता देना, लाइक आप कह सकते हैं कि पर्टिकुलर दो कंपनीज में एक लड़ाई हो रही है, आप कहते हैं गिव द गेम अवे यानी कि उसने सीक्रेट बता दिया उस कंपनी का। चीक बाय जॉल, वेरी नियर, गिवन इन गिल्ट, रन रॉयड मतलब एक्ट विदाउट रिस्ट्रेंट यानी कि बिना सोचे समझे एक्ट कर देना। गो थ्रू फायर एंड वाटर यानी कि अंडर गो एनी रिस्क, कोई सी पर्टिकुलर थिंग या सक्सेस को पाने के लिए आप कह सकते हैं कहीं भी किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी कैसा भी रिस्क आप उठा सकते हैं, तब आप इस idiom को यूज करते हैं। आई नो आई एम वेरी फास्ट बट आपके जो 50 idioms हैं उनको रिवाइज करने के लिए आपको इतना भी फास्ट चलना पड़ेगा अगर आपको रिवाइज करने हैं। अगर आपको कोई idiom नहीं समझ आता, वैसे तो सारे ईजी हैं, सारे जो आपने देखे होंगे, जस्ट इसको रिवाइज करने के लिए हम ये कोर्स बना रहे हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड कीप लर्निंग। अगला जो अगले idioms भी देख लीजिए, आई थिंक अगले idioms है टॉकिंग थ्रू हैट। टॉकिंग थ्रू हैट मीन्स होता है टॉकिंग वेरी नॉनसेंस वे में, ठीक है, लाइक आप कह सकते हैं कि बहुत ही कोई पर्टिकुलर पर्सन है उसको सोचे समझे वो बोली जा रहा है, ठीक है। पेट अप विथ टॉलोरेट करना, ठीक है, किसी को बाय फिट्स एंड स्टार्ट, ये हमने देखा कि इनरेगुलरली काम करना। रीडिंग बिटवीन द लाइन्स यानी कि अंडरस्टैंड करना वो पैराग्राफ कहना क्या चाहता है यानी कि उसकी डेप्थ को समझना, ठीक है।
प्रोज एंड कॉन्स मतलब होता है कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट्स, जितने भी फैक्ट्स हैं उनको कंसिडर करना, बाय लीप्स एंड बाउंड वेरी क्विकली काम करना, इन द गुड बुक इन अ फेवर विद बॉस, ठीक है. लाइक आप कह सकते हैं कि कोई पर्सन होते हैं जो बहुत ही इन द गुड बुक्स ऑफ टीचर्स होते हैं, बहुत ही फेवरेट होते हैं, ठीक है. इन द लॉन्ग रन मीन्स होता है अल्टीमेटली, इस फ्रेज का मीन्स होता है आपका अल्टीमेटली, यानी कि बहुत ही लॉन्ग रन, यानी कि कोई कंपनी अगर अच्छा काम करती है, ठीक है, वो इन द लॉन्ग रन वे में होती है, यानी कि बहुत ही दूर तक जाती है. सो ये आज के हमारे सारे idioms है जो हमने 50 idioms जो हैं वो डिस्कस किया, आई थिंक 50 से ज़्यादा idioms हमने आज डिस्कस किए हैं. सो आई होप आपने ये लाइक किया लेक्चर, एंड प्लीज़ रेट रिव्यू करिएगा इस कोर्स को एंड रिकमेंड करिएगा. सो बेस्ट विशेज ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, थैंक यू.